गाइस, दिस इज मी मेहमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट 9th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट की आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज की वर्कशीट में दिया गया है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन वर्कशीट 24 वी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन 3 सेक्टर्स। यानी कि पिछली वर्कशीट 24 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि 3 सेक्टर में किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके सिवा भी कुछ और वेज है जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी क्लासीफाई एज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हम इसे क्लासीफाइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के। तो चलिए देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन एसेट्स। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ऑनरशिप इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। यानी कि पब्लिक सेक्टर में होता क्या है कि जो भी संपत्ति होती है, जो भी एसेट्स होती हैं, लाइक जो वो सभी सरकार के अंडर में आती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी व्हीकल्स आती हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर, जितनी भी पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन आता है वो सभी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसी तरीके से किसी भी राज्य की सीमा के अंदर जो भी सरकारी आप एसेट्स देखते हैं, जो भी परिसंपत्तियां देखते हैं, उन सब पर सरकार का अधिकार होता है क्योंकि वो सब जनता के लिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो पर्सनल चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे आपका घर, आपका मकान या फिर आपकी गाड़ी, उस पर सिर्फ आपका और आपका अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि जनता की सेवा करना होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। पब्लिक सेक्टर में ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में सभी सर्विसेज जो होती हैं वो किसी इंडिविजुअल या कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज, पब्लिक सेक्टर में पेड लीव्स होती हैं, कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जनरली पेड लीव्स नहीं होती हैं, अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। पब्लिक सेक्टर का एक एग्जाम्पल दिया है भारतीय रेलवे, और प्राइवेट सेक्टर का एक एग्जाम्पल दिया है टिस्को। टिस्को एक कंपनी है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर फेयर वेजेस मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लो वेजेस यानी कम मजदूरी मिलती है, वेजेस मीन्स मजदूरी होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि फिक्स्ड काम करने के घंटे होते हैं कि आपको 8 घंटे 7 घंटे लगभग काम करने हैं बस। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, तो आपको 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि इसमें रोजगार आपका सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है, इसमें सुरक्षा नहीं रहती है आपके रोजगार की। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स जो होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉई स्कीम, बहुत सारी एम्प्लॉई स्कीम होती है जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी एम्प्लॉई होता है उसको मिलती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। वर्किंग कंडीशन इज नॉट गुड, नो सच बेनिफिट, यहाँ किसी तरह के बेनिफिट्स नहीं होते। बेटर वर्किंग कंडीशन होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा निम्न स्तरीय कंडीशंस भी होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है बैंकिंग, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है हॉकर्स, या आपने देखा है जो ठेले लगाकर सामान बेचते हैं या पटरी पर सामान बेचते हैं वो लोग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आमदनी बहुत कम होती है, अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सभी एग्जाम्पल होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, और बैंकिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। ये है आज की वर्कशीट, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द
अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये हैं हमारे आज के 4 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इन सभी 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो आंसर इज पब्लिक सेक्टर। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, यानी पब्लिक सेक्टर का मेन एम जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर यानी जनता की भलाई होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर जो होता है इसको कंट्रोल और मैनेज दोनों काम गवर्नमेंट करती है। पॉइंट नंबर 3 इज द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी टू द पीपल, फॉर एग्जांपल द इंडियन रेलवे, द पोस्ट ऑफिस एंड द BSNL, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन एम जो होता है अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। सेकेंड पॉइंट इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये जो होता है किसी एक के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि या तो कोई भी बिजनेस किसी एक के द्वारा शुरू किया जाता है या कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा शुरू किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज द सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। इसमें क्या होता है, जो सेक्टर होता है वो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर गुड लोगों को, ठीक है, जनता को कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्क इज रेगुलर वाइल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क इज इररेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होता है वो रेगुलर यानी कि लगातार चलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये इररेगुलर होता है। सेकेंड पॉइंट इज वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एंजॉयमेंट while workers in unorganized sector to do. तो unorganized sector में क्या होता है कि security नहीं होती है, job security नहीं होती है, जबकि organized sector में आपके रोजगार की security होती है। Point number 3 is if worker in organized sector work more they have to be paid overtime by the employers, while in unorganized sector there is no provision for overtime. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर है उनको फिक्स्ड आवर्स काम करना पड़ता है, यानी 8 घंटे की जॉब होती है तो वो 8 घंटे ही काम करते हैं, इससे ऊपर अगर उन्हें काम करना पड़ता है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। काम आप 8 घंटे करो या 20 घंटे करो आपको उतना ही अमाउंट मिलता है, क्योंकि ये आपका अपना रोजगार होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोवाइड प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एसेट्रा, वाइल वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट गेट। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको पेड लीव्स मिलती हैं, पेमेंट्स मिलती हैं उनको हॉलीडेज की, प्रोविडेंट फंड की, ग्रेचुटी की, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी जो बेनिफिट्स हैं ये नहीं मिलते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वाइल अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड एज द सेक्टर वाइल विच इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड टू द गवर्नमेंट एंड थस नो रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड विद द गवर्नमेंट एंड थस नो रूल रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, इसको इसमें कोई रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मेंशन 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको 5-5 उदाहरण देने हैं दोनों के। तो एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, नंबर 1 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC, सेकेंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC, थर्ड वन इज इंडियन रेलवे, फोर्थ वन इज इंडियन पोस्ट ऑफिस एंड फिफ्थ वन इज ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, तो इससे पहले आप इंडियन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर इंडियन नहीं लिखा है तो आपको लिखना है पहले यहाँ पर इंडियन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी ICOL। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड,
इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड एंड फिफ्थ वन इज इंडियन टेलीवेंचर्स लिमिटेड। ये एग्जाम्पल हैं आपके प्राइवेट सेक्टर्स के। इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।